तो भाई अभी हो गया ब्रेक शिफ्ट का टाइम, मैं जा रहा हूँ घर। भाई ये मेरा रूम है और ये टट्टा यहाँ का रूम का। जब भी भाई मैं आता हूँ ये बस बंदियों से बात करता है, एक ही बंदी है इसकी, और पता नहीं कट कब कटेगा और कब ये रोएगा मेरे कंधों पे। इसकी थूथ दिखाता हूँ, ये देखो। इसकी औकात देखो भाई, यही मेरे से बात ही नहीं करता, मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ बंदी से बात कर रहा है अपने। देखो अब भी बात नहीं कर रहा क्योंकि भाई टट्टा बन चुका है, और ऐसे टट्टे में रूम में बनू। ये हमारे रूम का मतलब सदस्य नहीं है, जैसे बीजेपी के सदस्य जो हैं कांग्रेस के नहीं होते और कांग्रेस के सदस्य बीजेपी के नहीं होते हैं, वैसे ही हमारे रूम का सदस्य नहीं है, बट फिर भी हमारे रूम में आ जाता है। मन करता है इसे निकालूं, इसे बोलूं मैं कि हमारे रूम से निकल जाए, बट मैं बोल नहीं पाता, मैं अंदर ही अंदर दबता रहता हूँ। मैं अभी तक नहीं बोल पाया इससे कि हमारे रूम मत आए कर, बकचोदी मत कर, अगर सिगरेट मत पिया कर, गंजा मत हुआ कर, बाल मत कटाया कर अपने, मतलब डेली हर डेली गंदा हो जाता है, फिर भी इसके बाल आ जाते हैं। इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है क्योंकि ये रात को कुछ लगाता है फ्रेश फ्रेश। और हमारे अभिषेक भाई बाकी सबसे बड़ा टट्टा है, बुद्धि मरवाते हैं रात को, ठीक है, पूरी रात इनको दिखाई नहीं देते हम, ठीक है, हम नहीं मतलब दिखाई नहीं देते पूरी रात हम ये दिखाई नहीं देते क्योंकि ये मरवाने जाते हैं खुद की। ये क्या बोलते हैं उसे, ये वो कौन है छक्कों की ब्रांड है, छक्कों की। तो भाई इसे बोलना नहीं आता, ये बारहवीं फेल है, तो अभी मैं सिखा रहा हूँ कैसे बोलते हैं। अभी मैं ना इसे एक भाई किताब दूंगा, उसमें सीखेगा कैसे बोलते हैं, उस किताब से सीखेगा धीरे धीरे। तो सॉरी उसके लिए अगर ये सही से बोल नहीं पा रहा, हिचकिचाता है, अभी डॉक्टर पे भी ले जाऊंगा, अभी डॉक्टर की स्ट्राइक हो रखी है बिकॉज ऑफ दैट कोलकाता केस। आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आज कितनी कमाई हुई ये बताओ। बोतल लेता है पूरा, आज कितनी कमाई हुई ये बताओ। मेरी हो गई 2000 रुपए। बढ़िया, एक ही कस्टमर मिला आपको? नहीं, 4-5 मिले। 2000? आप सस्ते हो ना। अरे अंजुद आपकी तो आप जैसे अभी बोले कि आपको 2000 रुपए कमाए हुए हैं छक्कों से, छक्कों से। अबे छक्के सुन, आपको पहले तो आपको बोला ना, तूने पूरी बात सुनी। छक्कों से कैसे कमाई हुई? उन्होंने मेरे से बोला कि कोई फुद्दी मराएगा, मैंने बोला हाँ मेरा रूममेट है। आपने दे दिया ना फुद्दी। अबे मैंने नहीं दिया, आपने दे दिया, तेरी थी बेवकूफ, तेरी थी ये। रात को तू सो रहा था, तू रात को सो पाया? रात को तू सो पाया और किसी पे मत डालो। हाँ चल ठीक है, डन। रात को तू सो पाया? हाँ मैं बहुत आराम से सोया मैं। बीच में उठा थोड़ी देर के लिए? एक भी बार भी नहीं उठा। अभी क्या उठा नहीं है? नहीं अभी तो मैं सो, अभी उठ रखा है ना, उठ रखा है ना, अभी उठा हुआ है ना, अभी उठा हुआ है ना। सही से क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि तेरी मारी थी रात में, क्योंकि तेरी मारी थी रात में मारी, अब तू सो नहीं पा रहा। सोया और अभी मैं उठ के खाना पीना खा रहा हूँ, ठीक है, मस्त रह रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? खाना कहाँ से खाया? पैसे कहाँ से आए? तू तो कुछ काम धंधा नहीं कर रहा, घर वाले देते हो? घर वाले घंटा दे रहे हैं। आप क्या कर रहे थे? घंटा। आप क्या कर रहे थे पूरी रात, ये बताओ। अब लीगल हो चुका है काम, जो है लीगल है, शर्मा मत, ठीक है, लीगल है। ये पूरी रात कहाँ रहता है? ये छक्को का बाप है ये भाई, बोलता नहीं यार।
सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। अभी रूम आ गया था, ब्रेक शिफ्ट पे हूँ, मतलब सुबह 7 बजे गया था और भाई 3 बजे छूटा हूँ, 3:05 पे, 3:05 से 3:15 पे रूम पे पहुँचा। ये भाई बकचोद लड़के मिले दोनों को, दोनों एक भाई बंदी के प्यार में पागल है और एक ऐसी चूतिया है, मतलब बकचोदी करता है, मतलब कभी कभी सही बकचोदी कर देता है, कभी कभी ऐसी बकचोदी करता है कि हंसी नहीं आती, बट हंसना पड़ता है। तो भाई मैं तुम्हें सीन बताता हूँ होटल का। आज क्या कह रहा, होटल में फूड टेस्टिंग के लिए लोग आते हैं। तो फूड टेस्टिंग में क्या होता है, जैसे भाई आपको शादी वादी करवानी है, कोई इवेंट रखना है बैंकेट में, ठीक है, मतलब 100 गेस्ट का, 150 गेस्ट का, या 80 लोगों का, 90 लोगों का, या 100 लोगों का, तो वो आप बुक करोगे होटल में, ठीक है, कि 100 बंदों का खाना खिलाना है और रूम बुक करना है 100 बंदों के लिए। तो उसके बाद क्या सीन पड़ता है, आपने बुकिंग पैसे वगैरह दे दिए, तो भाई जिसने बुक करा है वो अपनी फैमिली को लाएगा, 5-6 बंदे या 6-7 बंदे, वो करेंगे फूड टेस्टिंग कि जिस दिन इवेंट है, ठीक है, जैसे मान लो 30 तारीख को इवेंट है, 30 अगस्त को, और तो 30 अगस्त से पहले भाई वो बंदा आएगा 5-10 दिन पहले, 20 अगस्त को, 21 अगस्त को, और वो टेस्ट करेगा खाना 6-7 बंदे फैमिली के साथ, हाँ कि जो 30 तारीख को खाना होने वाला है वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर कैसे बनाना है, मतलब क्या कमी है, नमक की कमी है, क्या कमी है, वो फिर भाई शेफ़ को बताएगा, ठीक है। तो ऐसे ही भाई 7 बंदे आए थे, तो उनका भाई देखभाल जो थी वो मैंने करी। कैसे करी भाई वो मैं बताता हूँ आपको। तो भाई सबसे पहले क्या सीन होता है, जैसे वो भाई बंदे आएंगे जिन्होंने बुक कर रखा है, ठीक है, इवेंट, वो बैठेंगे, फिर सबसे भाई पहले दूंगा मैं पानी, ठीक है, पानी वानी दिया उनको, फिर उसके बाद भाई एक सेट मेन्यू होता है कि हाँ जो मतलब खाना लगेगा उस दिन जो इवेंट हो रहा है, तो वो उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है, 2-2 बाउल, ठीक है, उस आइटम की वो सर्व की जाएगी टेबल पे। तो भाई पूरा भारी सामान था, मैंने भाई टेबल पे लाया, जैसे था फिश टिक्का था और पनीर की सब्जी थी और भाई चिकन बिरयानी थी और रायता था, फिर भाई हलवा था, गाजर का हलवा, और भाई ब्राउनी थी। तो ये सब भाई खिलाया उन्हें केक करके, तो उसके बाद उन्होंने खाया वाया, एक घंटा उसमें ही लग गया, एक डेढ़ घंटे के बाद फिर उन्होंने भाई बताया कि क्या कमी है शेफ़ को, किस चीज़ में खाने की कमी है। तो भाई ये सब हुआ, उसके बाद भाई फिर सेट कर दिया, हाँ कि ऐसा आपको बनाना है, जो लोग आएंगे 200-300-400 लोगों के लिए उन्होंने बुक करा था, तो ये हुआ भाई। और भाई उससे भाई आज का सीन हुआ कि भाई जो मैनेजर वगैरह रहते हैं, तो भाई एक लड़की है वो जा रही है छोड़ के, तो भाई उससे मेरी बात हो रही, तो भाई मैनेजर मतलब बकचोद है, कहता कि तेरे को जो वो जब जा रही है ना, कह रहा उससे बातचीत कर ले और उसे ले जा, और मतलब कि जिस दिन तुझे छुट्टी चाहिए मैं इस चीज़ के लिए तेरे को दे दूंगा, भले ही कुछ और हो जाए, चाहे बीमार हो जाए तब ना छुट्टी दूँ, बट तू मतलब वो जा रही है मतलब इस महीने एंड में, तो कह रहा मेरे को बता दियो, मैं तेरे को पक्का छुट्टी दे दूंगा। तो भाई ऐसे मतलब चिल मैनेजर है कि भाई बंदीबाजी के लिए भाई फुल सपोर्ट करता है, मतलब बंदीबाजी अगर करनी हो किसी को तो उसके लिए भाई फुल सपोर्ट है। तो भाई अभी मैं ऊपर वीडियो बना रहा था, भैंस तो ये भाई छत है मेरी, मतलब मेरी तो नहीं है, मतलब किराए पे रह रहा हूँ, बाकी ये किचन है, यहाँ पे भाई आंटी रहती है, इनका शायद हस्बैंड डेड हो गए मेरे हिसाब से, तो मैं भाई यहाँ पे योगा कर रहा था तो सुबह सुबह उठ के, तो आंटी ने भाई क्या करा, भैंस की आँख, आंटी ने भाई गेट बंद कर दिया बाहर से, और मैं भाई यहाँ पे रह गया। फिर भाई मैं वो तो शुक्र था कि भाई जानने वाला बंदा था बाहर, तो उसने मेरी आवाज़ सुन ली और भाई उसने फिर गेट वगैरह खोल दिया। और भाई फिर आज क्या सीन हुआ कि भैंस की आँख, एक अंग्रेज़ आई, ये तो सुबह वाला सीन हो गया था कि भाई छुट्टी वुट्टी दे दूंगा ये वो, फिर भाई अंग्रेज़ आई, तो भाई अंग्रेज़ के साथ मैं बात कर रहा, तो मैनेजर ने देख लिया, तो भाई मैं फिर पीछे आ रहा वापस, तो भैंस की आँख बोलता, कह रहा हरामी है तू, मतलब ऐसी हरामी बोलता मेरे को। तो भाई होटल के और सीन बता दूं भाई, मतलब हम क्या सोचते हैं कि भाई आप लोग आते होगे, खाना वाना है, मतलब अंदर की जो बातें हैं वो भाई हमें पता है, अब जैसे गेस्ट आते हैं भाई, ठीक है, अब जैसे भाई मेरा रूममेट है, तो भाई मतलब गेस्ट आई, ठीक है, बियर वियर जो भी पीने, भाई उसका नंबर ले गई, और उसी रात भाई, हाँ रात को आई, और भाई मिजोरम की थी, और भाई नंबर वंबर ले गई, और उसे भाई रात को फ़ोन करती है कि जल्दी आ जाओ, उसके लिए भाई रूम बुक कर दिया 5 स्टार में, ठीक है भाई, और भाई रूम बुक करके भाई वो गया, और उसने भाई मतलब समझ लो भाई सब कुछ कर लिया, ठीक है, गेस्ट के साथ भाई बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा भाई उसकी शक्ल है चिंकी की, और बाकी एक मैनेजर है भाई, मैनेजर है वो भी भाई मतलब हरामी है, उसकी शादी हो रखी है, तो भाई वो भी भाई बंदा मतलब जो भी लड़की आती है भाई उसे सेट मतलब कर लेता है वो,
और भाई लड़के सेट हो जाती है भाई भाई, मतलब ऐसा ऐसा सीन है। मतलब हम सोचते हैं ना कि भैंस की आँख भाई की गेस्ट से बात बात नहीं करते, यहाँ पे तो भाई फुल, मतलब जिसमें मैं काम कर रहा हूँ तो भाई गेस्ट वगैरह से बात करते हैं फुल बातचीत भाई। अगर हो गई बातचीत तो भाई वो भाई पता नहीं, समझ जाओ भाई फिर वो क्या सीन रहता है। अब भाई मेरे पे बस मतलब 30-35 दिन है, 35-40 दिन है, और उसके बाद भाई मैं चला जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगा। उसके बाद भाई टेंशन भरी लाइफ से मैं छोड़ दूंगा। बाकी भाई अब मेरे पे 3 घंटे बचे हैं, 2.5 घंटे बचे हैं आराम करने के, तो अब मैं भाई यही रूम जाऊंगा वापस से, फिर रूम में जाके भाई आराम करूंगा। बाकी भाई ये देखो अभी भी वो बात ही कर रहा होगा, वो भाई आशिक में पड़ा हुआ है, बहुत बुरा, मजाक नहीं कर रहा, ना कर रहा हूँ मैं भाई, नाम बदल दूंगा। तो भाई अभी मैं सो नहीं रहा क्योंकि मेरा सीन ये है कि मैं 5-10 मिनट अब सोच रहा हूँ डेली है ना शीर्ष आसन करा करूँ, उससे भाई जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है, तो जिनके भी बाल बाल जो स्टार्टिंग एज है ना तो कम हो रही है, मतलब कि कम बाल हो रहे, तो वो अच्छी है ग्रोथ के लिए, बाल वगैरह जल्दी ग्रो करेंगे, यही मतलब डेली करा करो 6-7 महीने करो, 10-15 मिनट, और 2-3 और आसन है जो कि मैं दिखाऊंगा, उससे भाई आपके बाल बढ़ेंगे गारंटी होगा। भाई एक ऐसी चीज़ है भाई जिससे भाई हेल्थ को बहुत अच्छी वो मिलती है, जैसे मेरे को मिली थी, अभी तो खैर मतलब बीच में मैंने छोड़ दिया वरना दिक्कत हो गई, वरना मजाक नहीं भाई बहुत अच्छी हेल्थ हो गई थी मेरी, भाई फेस पे ग्लो आ गया था, पूरा ऑयल ख़त्म हो गया था बॉडी से। तो अभी भाई शीर्षासन दिखाता हूँ पहले, तो ये भाई करो, ये देखो भाई ये करो, और ये हाँ। तो भाई अभी आंटी ने डिस्टर्ब कर दिया, आंटी ने बोला भाई ये बाल्टी हटा दो जी, ये हटा दो, ठीक है ये लो भाई। तो भाई एक तो ये है शीर्षासन, और है एक है दूसरा इसे भ्रामरी बोलते हैं, तो ये 3 उंगलियां आंखों पे और ये भाई थंब जो है कान के अंदर, और अंदर भाई एक लंबी सांस लेनी है, दिखा दो, और अंदर जो है भाई ओम को उच्चारण करना है, ओम का सी जितना लंबा हो पाए उतना करना है, इससे भाई अंदर शांति मिलेगी, स्ट्रेस फ्री होगा भाई दिमाग। तो ये अभी मैं 2-4 मिनट करूँगा, उसके बाद 5-10 मिनट करके योगा, 15-20 मिनट का अभी ना रूटीन बना रहा हूँ डेली का, उसके बाद भाई थोड़ा मन को शांत करूंगा और भाई उसके बाद सो जाऊंगा 1-1.5 घंटे की नींद देके, फिर भाई दोबारा होटल जाना है मेरे को, काम करने काम है भाई लगी पड़ी है तुम्हारा भाई की।